हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम क्रोशिए से बाल गोपाल जी की ड्रेस की 0 और 1 नंबर साइज की चोली बनाएंगे। ये देखिए, ये 0 नंबर साइज के कान्हा जी की चोली है। पहले हम 0 नंबर साइज की बनाएंगे। इसकी मैंने ये देखिए 1, 2 और 3 रो बनाई है, और तीनों रो मैंने इसकी हाफ डबल क्रोशिए से बनाई है ताकि चोली की लेंथ ज्यादा ना हो। अगर अगर आपको लेंथ कम लगती है तो आप एक रो, जैसे लास्ट रो है, आप उसके डबल क्रोशिया से बना सकते हैं। एक बार आप चोली पहना के जरूर देखें घेरा बनाने से पहले। अगर सही है तभी आगे घेरा शुरू करें, नहीं तो 1 या 2 स्टिचेज आप घटा या बढ़ा सकते हैं। ये देखिए, ये 11 चेन ली है मैंने 0 नंबर साइज के लिए। 11 चेन के बाद मैंने 2 चेन और ली है हाफ डबल क्रोशिया बनाने के लिए। जब हम डबल क्रोशिया बनाते हैं तो हम 3 लेते हैं, तो हाफ डबल क्रोशिया कैसे बनाना है? ये देखिए, धागा लेके 1 और 2 चेन छोड़ के तीसरी चेन में मैंने, ये 3 हो गए, तीनों को हमने इकट्ठा निकाल दिया, इसको हम हाफ डबल क्रोशिया कहते हैं। ये धागा लिया, धागा लेके ये जो चेन है, चेन में हमने क्रोशिया हुक डाल के हाफ डबल क्रोशिया, ये देखिए 3 हो गए, फिर धागा लेके तीनों को इकट्ठे निकाल दिया। तो ये 11 के ऊपर हमने 11 बार हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। तो एक हमारा जो साइड वाली हमने 2 चेन ली थी, तो ये टोटल हमारे पास 12 हो जाएंगे स्टिचेस। ये 12 स्टिचेस बनाने के बाद अब हमने वर्क टर्न करके इसके ऊपर फिर से 2 चेन लेनी है, क्योंकि हम हाफ डबल क्रोशिया की बना रहे हैं ये। तो 2 चेन लेने के बाद इसी, ये देखिए, इसी चेन में जो हमारी ये पहली चेन है, इसमें हमने क्रोशिया हुक डाल के हाफ डबल क्रोशिया बनाया। तो ये 1 और 2 हो गए। ऐसे ही हर चेन में हमने 2 बार हाफ डबल क्रोशिया बनाना है, तो ये 12 के 24 हो जाएंगे। हम हर चेन में 2 बार बनाते हैं, लेकिन जो हमारी एंड वाली चेन होती है इसमें हम 1 बार बनाते हैं। 2 बनाने से फिर वो फिनिशिंग नहीं आती, तो उसकी जगह हम यहाँ बीच में हम 2 की जगह 3 बना देंगे। यहाँ लास्ट में 1 आएगा तो उससे वो 24 हो जाएंगे। यहाँ बीच में मैंने 2 बनाने थे तो 2 की जगह 3 बना दूंगी, क्योंकि लास्ट में हमारा 1 आएगा स्टिच। तो ये मैंने 1 ही जगह 3 बना दिए हैं। आगे हमने 2 2 बनाने हैं और लास्ट वाले में 1 बनाना है, तो ये 24 हो जाएंगे। और ये जो लास्ट हमने जो चेन बनाई थी उसमें हम 1 बार बनाएंगे। तो ये 24 स्टिचेस हो गए मेरे पास। अब हमने बाजू निकालनी है, वो भी मैंने हाफ डबल क्रोशिया से ही बनाया है। ये देखिए, 2 चेन ली मैंने। 2 चेन लेने के बाद अब हमने बढ़ाने नहीं है, तो हम पहले स्टिच में नहीं, पहली चेन में नहीं डालेंगे, दूसरी चेन में हमने हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। तो ये 2 हो गए, 1 और ये 1 2। चेन को जब भी हम गिनेंगे 7 गिनेंगे, 3 4, 4 मैंने हाफ डबल क्रोशिया बनाए, उसके बाद 1 2 3 4 चेन मैंने स्किप की, और उसके बाद मैंने फिर से हाफ डबल क्रोशिया बनाया। तो हमने फ्रंट के लिए 4 4 रखे हैं, बैक के लिए हम 8 रखेंगे। यहाँ पे लगता है आपको, क्योंकि उसकी मैंने 3 ही रो बनाई है, अगर आपको लगता है कि ये चोली की लेंथ कम है, तो ये आपने जो हाफ डबल क्रोशिया की 3rd रो बनाई है उसकी जगह आप वो बना लें, डबल क्रोशिया की रो बना लें। देखिए, ये इस तरह से चोली आई। मैंने इसकी लेंथ इतनी रखी है। अगर आपने डबल क्रोशिया से लास्ट रो बनानी है तो आप बना सकते हैं। फिर हम यहाँ पे स्लिप स्टिच से हमने इसको ज्वाइन करना है,
फर्स्ट चेन में हमने स्लिप स्टिच से इसको ज्वाइन किया। अब हम ड्रेस बनाने के लिए यहाँ साइड में जाएंगे, आगे घेरा बनाने के लिए स्लिप स्टिच से हम साइड में जाएंगे, वहां से घेरा बनाएंगे। स्लिप स्टिच जब भी आप बनाए थोड़ा धागा लूज होना चाहिए ऐसे, नहीं तो यहां से चेन खींची खींची रहती है। तो ये हमारे 0 नंबर कान्हा जी की चोली हो गई। अब हम 1 नंबर कान्हा जी की चोली बनाएंगे। ये देखिए, ये 0 नंबर कान्हा जी की चोली की मैंने तीनों हमने हाफ डबल क्रोशिये की रो बनाई है, और जो 1 नंबर चोली है वो मैंने फर्स्ट रो और थर्ड रो डबल क्रोशिये से बनाई है, और बीच वाली हाफ डबल क्रोशिये से बनाई है। अगर आपको इसकी भी लेंथ कम लगे बनाने के बाद, तो आप बीच वाली रो भी आप हाफ डबल क्रोशिये से बना ले, तीनों फिर आप डबल क्रोशिये की कर दे, नहीं तो बीच वाली आप हाफ डबल क्रोशिया से बनाए। इसके मैंने शुरू में 11 चेन लिए थे, और हमने टोटल हमारे पास 12 हो गए थे साइड वाली चेन मिला के। इसके मैंने 12 स्टिचेस लिए हैं, इसके 13 हो जाएंगे, और बाकी इसके भी मैंने 12 के 24 किए हैं, और बाद में 4 4 और पीछे 8 छोड़े हैं। इसमें भी मैंने 24 किए हैं, और 4 और 4 और पीछे 8, तो ये भी 24 हैं। बस इसकी हाइट इसलिए बढ़ गई है कि ये मैंने दो इसकी रो मैंने डबल क्रोशिया से बनाई है, और बीच वाली हाफ डबल क्रोशिया से बनाई है। 1 नंबर चोली के लिए मैंने 12 चेन ली है, 12 चेन लेके 1 2 और 3, तीन मैंने साइड वाली चेन ली, और फिर फोर्थ में हमने डबल क्रोशिया बनाया, धागा डबल क्रोशिया बनाना है। फिर धागा लेके तो ये 3 हो गए, 1 चेन और 2 हमारे डबल क्रोशिए, तो ये आप 13 डबल क्रोशिए बना ले। 12 मैंने चेन ली थी, तो 12 ये डबल क्रोशिए, 1 हमारी ये साइड वाली चेन, 13 हमारे पास अब डबल क्रोशिए हैं। तो 13 के ऊपर आपने हर बार, हर चेन में आपने 2 बार, साइड वाली मैंने 3 चेन ली, हर चेन में आपने 2 बार डबल क्रोशिया बनाना है, हाफ डबल क्रोशिया बनाना है, क्योंकि हमने चोली की हाइट थोड़ी कम रखी है। हाफ डबल क्रोशिए के लिए हमने 2 चेन लेनी है साइड की। ये 1 में ही 2 हो गए। इस तरह आपने हर चेन में 2 बार हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। हाफ डबल क्रोशिया इसीलिए बनाया कि चोली की लेंथ ज्यादा ना हो, बाकी आप अपने अकॉर्डिंग सोच लें, आपको ज्यादा चाहिए थोड़ी सी तो आप डबल क्रोशिया से ही सारी बना लें। सब में हमने 2 बार बनाना है, लास्ट में जो हमारी चेन है इसमें हम 1 बार बनाते हैं, तो ये 25 हो जाएंगे हमारे पास हाफ डबल क्रोशिया। ये हमारी सेकंड लास्ट चेन है, इसमें हमने 2 बार हाफ डबल क्रोशिया बनाना है, और लास्ट चेन में हमने 1 बार डबल क्रोशिया, हाफ डबल क्रोशिया बनाया। तो ये 25 हो गए मेरे पास टोटल। अब हमने 3 चेन ली, क्योंकि हम डबल क्रोशिया बना रहे हैं, तो अब हमने बढ़ाने नहीं हैं, हम फर्स्ट चेन में नहीं डालेंगे। जब हम नहीं बढ़ाएंगे तो हम फर्स्ट चेन छोड़ के नेक्स्ट चेन में क्रोशिया हुक डाल के हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये 1 और ये 2 हो गए, 3, 4, यहां पे हमने 4 बार डबल क्रोशिया बनाना है। 4 बार बनाने के बाद हम 1 2 3 4 चेन स्किप करेंगे, और फिर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहां पे हमने 4 बार बनाया, हमारे पास 25 थे, तो यहां पे हमने 4 बार बनाया, पीछे हम 9 बार बना देंगे, और आगे फिर 4 बार, तो ये हमारी फ्रंट के लिए 8 आ जाएंगे, और बैक के लिए 9 रह जाएंगे, तो 8 और 9 ये 17 हो जाएंगे। और 17 और 4 4 चेन हमने बाजू के होल के लिए स्किप की है, 8 वो है, तो ये टोटल 25 हो गए।
यहाँ पे हम इसे ज्वाइन कर देंगे स्लिप स्टिच से। फिर हम बाजू की साइड में जाएंगे स्लिप स्टिच से। स्लिप स्टिच में हम धागा नहीं लेते दोबारा, बस ये एक बार जो लिया इसी को दूसरे में से भी साथ ही निकाल देना है। तो ये एक नंबर साइज कान्हा जी की चोली है। अगर आप इस चोली में एक या दो स्टिचेस घटाना बढ़ाना चाहते हैं तो अपने हिसाब से घटा बढ़ा सकते हैं। तो और ये तीन रो है, तीनों की तीनों आप डबल क्रोशिया से बना सकते हैं, जैसे मैंने बीच वाली हाफ डबल क्रोशिया से बनाई है। और चोली की किनारी भी मैंने कई वीडियोस में बनानी बताई है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहां से आप देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।